भोजपुर उत्सव के समापन के मौके पर कवियों ने अपनी रचनाओं से समा बांध दिया। जाने माने कवियों ने एक से एक बढ़कर कविताएं सुनाई। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक नृत्य के साथ हुई। कार्यक्रम में मशहूर कवि अशोक चक्रधर, अरुण जैमिनी, दीक्षित दिनकोरी, बाबू बंजारा सहित कई जाने माने कवि शामिल हुए। दिन के उजेरे में न करो कोई ऐसा काम, दिन के उजेरे में न करो कोई ऐसा काम, नींद जो न आए तुम्हें रात के अंधेरे में, और रात के अंधेरे में न करो कोई ऐसा काम, मुंह जो तुम छिपाते फिरो दिन के उजेरे में। ये पंक्तियां वो थी जिन पर मैंने आपसे नहीं कहा कि तालियां बजाइए, ये आपके अंदर चली गई। क्यों चली गई? ये छलने नहीं आई थी, आपके अंदर चलने आई थी, आपके अंदर आई थी रहने के लिए। और अगर ये पंक्तियां आपके अंदर रह जाएं, तो आपको जीवन में कोई भी संकट व्याप नहीं सकता, और कभी आप हार नहीं सकते, कभी आप थक नहीं सकते, और कभी किसी के सामने नजरें नहीं झुका सकते। आपकी आत्मा, आपकी अंतर चेतना, आपके अंतःकरण का आयतन बढ़ जाएगा, और उस बढ़े हुए आयतन में आप पूरी सृष्टि को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं, अगर अपने अंदर के ब्रह्मांड को बड़ा कर लें। पत्नी वृति दशरथ मांझी जुझारू बड़ा था, एक छेनी एक हथौड़े से 22 साल तक पहाड़ काटता रहा, काटता रहा। रास्ता बनाने के लिए खाई खंडक पाटता रहा, पाटता रहा। उसने न तो किसी से कोई आस लगाई, न किसी के आगे गिड़गिड़ाया, खुद हिम्मत जुटाई और खुद अपना रास्ता बनाया। अतुलित बल कहां से मिला उस एकल प्रयत्नी को? एकल प्रयत्नी साहित्य को नया शब्द दिया है मैंने। अतुलित बल कहां से मिला उस एकल प्रयत्नी को? श्रेय जाता है उसे प्रेम करने वाली पत्नी को। बजाइए पत्नी के प्रेम के प्रति तालियां एक बार, और उसकी छेनी हथौड़ी को प्रणाम करिए 22 साल तक जो लगातार। धन्यवाद। गरीबी का एक स्वर्ग है काला हांडी, वहीं का एक दूसरा मांझी है दाना मांझी। मायके से डोली निकले अपनी ससुराल से इस ख्याल से, मृत पत्नी को अस्पताल से 60 किलोमीटर दूर ले जाने के लिए वाहन की तलाश थी, कंधे पर पत्नी की लाश थी। फिर वही सवाल करता हूँ।